हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में अगेन सिखा रहा हूँ मैनेजमेंट अकाउंट चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रमाण पत्र ना हिसाबो। ऑलरेडी चैप्टर का एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, जिसके अंदर मैंने एक टाइप जिसका मटेरियल वेरिएंस जो फर्स्ट टाइप है माल सामान ना विचलन हो, उसके टोटल 6 फॉर्मूले में से मैंने स्टार्टिंग के 3 फॉर्मूले एक्सप्लेन किए थे और उसका प्रैक्टिकल सम्स भी चलाया था। ये मैंने फॉर्मूले यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किए थे, उसके बाद मैंने प्रैक्टिकल सम्स भी चला के पूरा आपको बताया था कि कैसे फॉर्मूले सॉल्व करने। तो आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ नंबर 4th फॉर्मूला, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है मटेरियल मिक्स वेरियंस, माल सामान मिश्रण विचलन। तो इसके टॉपिक भी एक्सप्लेन करूंगा, साथ में प्रैक्टिकल सम्स भी सॉल्व करना रहा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को पहले से लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सिखा रहा हूँ न्यू फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 4। टोटल 6 फॉर्मूले, उसमें से चौथा मैं आपको सिखाने वाला हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको 6 के 6 एक साथ में सिखाने वाला हूँ बड़े सम में, राइट। नाम है मटेरियल मिक्स वेरियंस, माल सामान मिश्रण विचलन। अब इसके दो फॉर्मूले बनते हैं। दो फॉर्मूले क्यों बनते हैं? क्योंकि मिक्स क्या होता है, मिक्स किस पर डिपेंड होता है? मिक्स डिपेंड होता है क्वांटिटी पर, जत्थे पर डिपेंड होता है। तो जत्थे दो टाइप के होने वाले, एक जत्था जब इक्वल होगा, राइट ना, क्वांटिटी इक्वल होगी, या सेकेंड टाइम जब क्या होगी, क्वांटिटी अनइक्वल होगी, जब सरखी ना हो। तो दोनों टाइम फॉर्मूले डिफरेंट लगाए जाएंगे। जब क्वांटिटी इक्वल होगी तो आपको कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है? तो फॉर्मूला है एसपी। एसपी मतलब क्या, समय आप बता चुका, स्टैंडर्ड प्राइस प्रमाण भाव, और ब्रैकेट में है SM माइनस AM, स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स, मतलब प्रमाण मिश्रण खरेखर मिश्रण, राइट। अब ये बता दो, जो क्वांटिटी होता है उसको ही मिक्स बोलते हैं, जो क्वांटिटी के लिए एम इस्तेमाल किया गया, कुछ अलग नहीं है। ये कब इस्तेमाल करना है? जब क्वांटिटी क्या हो, इक्वल हो। लेकिन अब जब क्वांटिटी अनइक्वल हो तब क्या करना है? जब जत्था सामान्य हो तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, सिर्फ जो SM आपको दिख रहा है वो कन्वर्ट हो जाएगा RSM में, बाकी फॉर्मूला सेम ही है। यहाँ पर SP स्टैंडर्ड प्राइस, इन ब्रैकेट RSM माइनस AM। अब देखिए, इसमें नया टॉपिक से RSM ऐड हुआ, अब RSM फाइंड आउट करना पड़ेगा न्यू, क्योंकि जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी उसको हम चेंज करेंगे, राइट। तो चेंज करेंगे तो न्यू फॉर्मूला उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो RSM मतलब होता है रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स, सुधारेल प्रमाण मिश्रण। अब इसका फॉर्मूला बहुत ईजी है कि एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेने का, इसमें अलग अलग क्वांटिटी होती है ना, एक से ज्यादा होगी क्वांटिटी तभी मिक्स निकल रहा है, एक दो जितनी भी होगी, तो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेने की और उसको इंटू करना है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी और डिवाइड में टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी का इंटू करना है और डिवाइड किससे करना है, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो चलिए अब देखते हैं प्रैक्टिकल सम्स, तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए, स्टैंडर्ड मिक्स के फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम डायरेक्टली आते हैं प्रैक्टिकल सम्स पर, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में टोटल सारे टॉपिक क्लियर कर लूंगा एक ही सम्स में। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8, आपकी बुक में चेकआउट कीजिए क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ फाइंड आउट करने के लिए कहा गया मटेरियल मिक्स वेरियंस, आप देख रहे हो यहाँ लिखा मटेरियल मिक्स, ऑनली इसी फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए सम्स दिया गया है। तो देखिए, यहाँ दो टाइप के मटेरियल है, ए और बी, या स्टैंडर्ड प्रमाण की इन्फॉर्मेशन दिए गए या एक्चुअल खरेखर की इन्फॉर्मेशन दिए गए। तो पहले हम इन्फॉर्मेशन राइट डाउन करेंगे, प्रीवियस वीडियो में जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वैसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ? लिखने का SQ SP, यहाँ पर लिखेंगे AQ और AP, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, प्रमाण जत्थो प्रमाण भाव, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस, खरेखर जत्थो खरेखर भाव। तो यहाँ पे दो तरह के, राइट ना, ए और बी करके दो दिया हुआ है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी 140 है, उसका रेट कितना है 8 है, और दूसरा कितना 110 और उसका रेट कितना है 10। तो यहाँ पर राइट डाउन करेंगे ए और बी करके, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 140 और उसका रेट दिया है 8, यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी 110 उसका रेट दिया है 10, राइट। और सेकंड किसकी इन्फॉर्मेशन दी है? एक्चुअल की, खरेखर की। तो देखिए, क्वांटिटी कितना है 160 और उसका रेट कितना दिया 8, दूसरी क्वांटिटी कितनी है 90, उसका रेट दिया है 10.5। तो लिख देंगे 160 क्वांटिटी और 8 का रेट है, 90 क्वांटिटी रेट है 10.5 का। अब देखिए, मिक्स निकालना, तो पहले हमको क्या क्वांटिटी का टोटल करना है, ऐसे टोटल करके दिया हुआ है लेकिन टोटल करेंगे तो क्वांटिटी का टोटल देखिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल देखेंगे प्रमाण का, क्या 250 आ रहा है, राइट। और यहाँ पर 160 और 90 टोटल कीजिए कितना आ रहा है, 250। हमको फाइंड आउट क्या करना है? मटेरियल मिक्स वेरियंस फाइंड आउट करना है, राइट। माल सामान
मिश्रण विचलन फाइंड आउट करना है। तो हमको क्या चेक करना होता है, क्वांटिटी चेक करना है, क्वांटिटी इक्वल होगी या तो अनइक्वल होगी। तो यहाँ पे क्वांटिटी आपको दोनों की क्या दिख रही है, आपको इक्वल है राइट ना, क्वांटिटी क्या हो रही है यहाँ पर इक्वल हो रही है, इक्वल हो रही है। तो फॉर्मूला आपको क्या अप्लाई करना, आप देख रहे होंगे एसपी इन ब्रैकेट एसएम माइनस एएम, कोई चेंजेस नहीं है, वही का सिंपल सा फॉर्मूला है। तो देखिए फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं, बहुत इजी है, जब क्वांटिटी इक्वल हो जाएगा तब मैन, तो जब अनइक्वल होगा तब क्या करना है वो आपको सिखाऊंगा इसके बाद वाले सम्स में। तो देखिए एसपी मतलब स्टैंडर्ड प्राइस, देखिए ए और बी दोनों का साथ में सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, तो स्टैंडर्ड प्राइस 8 और दूसरी की कितनी है 10। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड मिक्स, मिक्स मतलब क्वांटिटी जो होता है, आपको क्यू की जगह एम इस्तेमाल किया गया, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 140 दूसरे वाले की 110। माइनस क्या है एक्चुअल मिक्स खरेखर मिश्रण, तो ये रहा क्वांटिटी 160 और इसका 90, तो यहाँ 160 और 90 यूज कर लेना, बस अपना हो गया काम। और सॉल्व करेंगे तो माइनस करके कितना आएगा, माइनस का 28 इंटू माइनस का 20, तो माइनस का 160 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस करेंगे तो प्लस का 20 आएगा राइट, तो यहाँ 10 इंटू में 20 तो प्लस का 200। अभी फाइनल आंसर नहीं हुआ है, तो ए बी दोनों का प्लस कर देना है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, प्लस का साइन आएगा क्योंकि 200 प्लस का, इसके लिए प्लस का कितना आएगा 40 आएगा। अब आंसर में आपको क्या लिखना है, अगर प्लस में आया तो क्या लिखना है, फेवरेबल लिखना है। मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में फेवरेबल मतलब लिखा जाता है अनुकूल, फेवरेबल का एफ अनुकूल का अनु, ये अपना हो गया सम सॉल्व, ओनली इसमें मिक्स मांगा गया था इसलिए आपको सॉल्यूशन निकाला। अब हम बात सीखने वाले अनइक्वल, जब क्वांटिटी क्या होगी अनइक्वल होगी, जब प्रजत्थो सरखो ना हो, तो देखिए उसके लिए मैं सम्स ले लेता हूं, मैं सम्स ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10। अब यहां पे सारे मटेरियल मांगे गए, लेकिन मैं आपको ओनली यहां मटेरियल मिक्स सॉल्व करके दिखाता हूं, क्योंकि यहां क्वांटिटी देखिए 420 है और इसकी कितनी 490, तो दोनों की क्वांटिटी क्या अनइक्वल है ना, तो देखिए कैसे होगा ये सॉल्व। तो चलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, प्रमाण जत्थो प्रमाण भाव, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस, खरेखर जत्थो खरेखर भाव, सिंबल इस्तेमाल करना है गुजराती मीडियम वाले भी। तो देखिए ए बी यहाँ पे दो दिया गया, स्टैंडर्ड के लिए 240 और 60 का रेट 180 और यहाँ पर 12 का रेट, तो राइट डाउन कर लेता हूँ, ए और बी करके दिया हुआ है 240 क्वांटिटी और 60 उसका रेट, 180 क्वांटिटी और 12 इसका रेट। अब एक्चुअल का देखते हैं, खरेखर का 300 क्वांटिटी है, 15 का रेट है, 190 क्वांटिटी और 13 का रेट है, तो यार 300 की क्वांटिटी 15 का रेट, 190 की क्वांटिटी 13 का रेट। हम मिक्स फाइंड आउट करना है, तो मिक्स के लिए आपको क्या करना है, हमेशा टोटल करना है, तो टोटल कीजिए, यहाँ पे क्वांटिटी का टोटल कितना है 420 है, वैसे बुक में दिया ऊपर आपको कर देना है, तो यहाँ पे क्वांटिटी का टोटल कीजिए कितना हुआ 490। अब दोनों क्वांटिटी को चेकआउट कीजिए, स्टैंडर्ड और एक्चुअल, खरेखर और प्रमाण दोनों की क्वांटिटी क्या है अनइक्वल है, क्या है यहाँ पर अनइक्वल है राइट ना। तो अब हमें जो फाइंड आउट करना है मटेरियल मिक्स वेरियंस, मैं आपको यही सिखा रहा हूँ, माल सामान मिश्रण विचलन, तो इसके लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, यहाँ पर न्यू इन्वॉल्व हो जाएगा आरएसएम राइट ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को चेंज किया जाएगा आरएसएम, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, बाकी सेम ही है, स्टैंडर्ड प्राइस आरएसएम माइनस एएम। अब देखिए इसमें सब कुछ सेम है लेकिन आरएसएम न्यू होता है, तो आरएसएम पहले क्या करते हैं हम फाइंड आउट करते हैं, तो आरएसएम फाइंड आउट करने के लिए क्या अप्लाई करना है हमको फॉर्मूला, तो आरएसएम मतलब होता है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मिक्स सुधारेल प्रमाण मिश्रण। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, सिंबल में एस क्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ 1, टोटल ए क्यू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइड में टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी राइट ना। तो देखिए यहां पर दो क्वांटिटी है, सॉरी यहां पर ये देखिएगा सम्स, दो क्वांटिटी यहां पर दोनों को चेंज करेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पहला कितना 240 और सेकंड कितना है 180, तो ए और बी, तो पहला स्टैंडर्ड क्वांटिटी 240 और दूसरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना 180। अब क्या करना है, इंटू करना टोटल एक्चुअल, तो एक्चुअल का टोटल कितना है खरेखर का 490, तो इंटू का 490 का और डिवाइड किससे करना है स्टैंडर्ड का, टोटल स्टैंडर्ड, तो प्रमाण का टोटल कितना दिया 420 डिवाइड में 420 डिवाइड में 420, बस आप चेंज कर दी चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा 280 मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा आपको 210। आप देखिएगा टोटल करिएगा आपको 490 मिलेगा, तो देखिए इक्वल हो जाएगा, जो स्टैंडर्ड 490 हो गया और एक्चुअल भी 490 था तो हो गया ना इक्वल, इसलिए ये चेंज वाली हम वैल्यू यूज करेंगे आरएसएम में ठीक है। तो देखिए अब यूज करते फॉर्मूला वैल्यू, एसपी मतलब स्टैंडर्ड प्राइस जो आपको दी गई 16 और 12, अब आरएसएम जो हमने स्टैंडर्ड चेंज किया हुआ है न्यू वाला वो ऐड करना 280 और यहाँ 210, तो ये यूज होगा जो हमने अभी फाइंड आउट किया
माइनस क्या है एक्चुअल मिक्स खरे का, तो यही जत्था इस्तेमाल करना है 300 और 190। बस हो गया हमारा काम, सॉल्व करते हैं। यहाँ माइनस का 20 आएगा और माइनस का 20 का इंटू करेंगे 16 से, तो माइनस का 320। यहाँ पर क्या आएगा प्लस का 20 आ रहा है, 12 इंटू में 20 तो 240। अब इसको प्लस माइनस माइनस होगा, इस बार माइनस में आंसर आएगा क्योंकि माइनस बड़े का साइन है। यहाँ पर माइनस करने पर आपको कितना मिलेगा 80 मिलेगा। अब माइनस का आ रहा है तो उसको क्या लिखेंगे हम, अनफेवरेबल, प्रतिकूल माना जाएगा, राइट। ये हो गया हमारा मिक्स का सॉल्यूशन। मैंने आपको मिक्स फॉर्मूला टोटली एक्सप्लेन किया है कि इक्वल हो तो कैसे सॉल्व करना है और अनइक्वल हो तो कैसे सॉल्व करना है। बस आज का वीडियो यहीं रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक बड़ा सम सॉल्व कराऊंगा जो एग्जाम में 14 मार्क का पूछा जाता है, जिसमें सारे फॉर्मूले एक साथ में पूछा जाता है, वो सम सॉल्व कराना है। तो पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो सबसे जरूर कीजिएगा वीडियो को शेयर कराना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई क्वेरी रह गई है कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।